जाएंगे निकलवाते जाइएगा लॉकडाउन में ये हम लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि जो रोज जो डेली वेजर्स हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चालक है, उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले मुंगेर पुलिस के द्वारा जो है फूड पैकेट्स पहुंचाए जा रहे थे, या फिर जहां उन लोगों को जरूरत होती थी तो वो लोग ट्विटर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग को कॉन्टैक्ट करते हैं और हम लोग उन लोगों को अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है हम लोग उस तरीके से उन लोगों की सहायता करते हैं। आज जो है हम करीब मेन जो शहरी थाना क्षेत्र है जहां पे ज्यादा लोग अफेक्टेड है इस चीज के लिए, जो कि पूरब सराय, बासुदेवपुर ओपी, कासिम बाजार हो गया, कोतवाली थाना क्षेत्र, जमालपुर, इनमें एक साथ जो है साइमल्टेनियसली कैंप लगा करके करीब 2500 पैकेट सूखा राशन, जिसमें चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, आलू प्याज जैसा जो बेसिक जो खाना जो है कि हर परिवार को जो कि इस तरीके से अफेक्टेड है उसको पहुंचाया गया है। साथ में हम लोग जब इस तरीके के कैंप लगा रहे हैं तो हम लोग ये भी इंश्योर करा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व क्या होता है, या फिर जिस तरीके से उन्हें बैठाया जाते हैं या जिस तरीके से वो लाइन में खड़े रहते हैं, जिससे कि ये उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाए कि हम लोगों को सामाजिक दूरी जो है हर चीज में रखनी है, हम लोग अपने घरों में भी करनी है, अपने गलियों में भी करनी है, जब हम सामान खरीदने जाए जो कि बेसिक है तो उसमें भी करनी है। वही क्या है, हाँ उनका धन्यवाद हमारा सामने ही नहीं गल एस पी साहब मिडल खंड के क्या इतना गनाज बाबू, ये क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। क्या भूखे रहते थे आप लोग? नहीं बाबू, मजदूरी नहीं कर सके है बाबू, ये क्या है, चार गो बाल बच्चा मजदूरी करे है, अपने खाए है बाबू, हमारा कहाँ देते बाबू, ये क्या है। कैसा अनुभव, कैसा लग रहा है जब ये मिला है तो? अच्छा भी लगे बाबू, ये क्या मिले लेता अच्छा लग रहा है ना, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। चलो।